फोर थ्री टू वन मैथ। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन जो कह रहा है ना, ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। यानी कोई एक ट्राइंगल था पी क्यू आर जो राइट एंगल एट क्यू पे, तो ये ले लेंगे पी क्यू आर। पी क्यू इज 3 सेंटीमीटर, पी क्यू जो है वो 3 दे रखा है, पी आर जो दे रखा है वो 6 दे रखा है। तो ऑलरेडी डिटरमाइन एंगल पी एंड एंगल आर। तो इसको अगर हम एंगल आर को थीटा सपोज कर लें, तो हमारे को एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है जो परपेंडिकुलर और किसमें हमारे हाइपोटेनस में रिलेशन देता है। तो हम जानते हैं वो साइन होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस इज 6 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाइज हाफ। अब हम जानते हैं हमारा साइन हाफ कब होता है। साइन हाफ जो होता है वो हमारा होता है साइन 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी हमारी 30 डिग्री। तो यानी ये वाली वैल्यू हमारी 30 हो जाएगी, ये हमारी 90 है। अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो 90 30 ये वाला एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 90 30 तो ये ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। तो एंगल आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, और एंगल पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो शॉर्ट एंड स्वीट आपने देखा कैसे विद इन 2 स्टेप्स मेरा क्वेश्चन हो गया। अगर आपको और भी कोई ऐसे क्वेश्चंस कराने हो, कुछ डाउट हो, तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।